जय श्री श्याम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है स्वास्तिक। जानेंगे स्वास्तिक के बारे में कुछ ऐसी बातें जो पौराणिक हैं, और जानेंगे स्वास्तिक के बारे में स्वास्तिक हमारे लिए कितना लाभदायक रहता है। तो आइए शुरू करते हैं मित्रों। शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो हमारे वीडियो में नए आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मित्रों, हिंदू धर्म में स्वास्तिक को धर्म का प्रतीक माना गया है। इसे कुशल क्षेम, शुभ कामना, आशीर्वाद, पुण्य, शुभ भावना, पाप प्रचाकलन तथा दान स्वीकार करने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। स्वास्तिक कई चीजों में बनाए जाते हैं, जैसे कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, रोड़ी, गोबर, रंगोली तथा अक्षत का स्वास्तिक। मित्रों, स्वास्तिक संस्कृत में स्वस्ति शब्द से निर्मित है। स्व और अस्ति से बने स्वास्ति का अर्थ है कल्याण। यह मानव समाज एवं विश्व के कल्याण की भावना का प्रतीक होता है। मित्रों, स्वास्तिक एक शुभ प्रतीक माना जाता है जो अनादिकाल से विद्यमान होकर संपूर्ण सृष्टि से व्यापक रहा है। सभ्यता और संस्कृति के पुरातन लेख केवल हमारे वेद और पुराण ही है, और हमारे ऋषियों में उनके स्वास्तिक का मान प्रस्तुत किया गया है। मित्रों, स्वास्तिक में छिपा है अति गूढ़ अर्थ एवं निगूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। गणपति के ग बीजाक्षर का चिन्ह भी स्वस्ति जैसा प्रतीत होता है। इसमें रूप एवं समुच्चय मंत्र का स्वरूप स्वास्तिक का आकार ग्रहण करता है। मित्रों, प्राचीन मान्यता के अनुसार यह सूर्य मंडल के चारों ओर चार विद्युत केंद्र के समान लगता है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। यजुर्वेद की इस कल्याणकारी मंगलकारी शुभ कामना स्वास्थ्य वाचन में स्वास्थ्य का नीतिहार्थ छिपा है। हर मंगल एवं शुभ कार्य में इसका भाव भरा वाचन किया गया है, जिसे स्वास्थ्य वाचन कहा जाता है। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म में स्वास्थ्य का बहुत महत्व है। स्वास्थ्य को सृष्टि चक्र की संज्ञा दी गई है। बिना स्वास्थ्य बनाए कोई भी पूजा विधान और यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता है। प्रत्येक शुभ कार्य की शुरुआत में और त्योहारों पर हर घर के मुख्य द्वार पर स्वास्थ्य का लगाना अति शुभ है, फलदायी माना जाता है। मित्रों, ये थी स्वास्थ्य की कुछ जानकारी। इसी तरह की अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।